शिकारी हमेशा शिकार को खोजता है, लेकिन हम तो खुद ही शिकार बनने आ गए। ये तो नफे के जज्बाती होने का नतीजा है। जिंदा तो है ना? अब तक तो है। चल आगे चलते हैं बिना आवाज के। बकरी, रहम बिल्कुल मत करना। तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे मौत से भी बदतर मौत देना। ऐसी खौफनाक मौत जिसे देखने वाला भी खौफ से मर जाए। उस जादूगर का खास ख्याल रखना, वो अब और नहीं रुकेगा। बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा वो, और तलिस्मान लेकर उसे भी एक यादगार मौत देना। फकरी, कोई नहीं बचना चाहिए, कोई भी नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता कि परवास के नीचे अलग दुनिया बसी हुई है। अगर नफी का हिसाब ठीक है तो हमाम यहीं कहीं होना चाहिए। ऊपर वाले, मेरे तलिस्मान को सलामत रखना। भैया, जल्दी जल्दी, अरे तू जा जा जा। नफी, अब हम लोग क्या करेंगे? चुप रहे भैया। इंसान की शरीर की फितरत गर्म होती है और ये फकरी देख सकता है। एक बार कोई उसकी नजर में आ जाता है तो किसी का भी बचना नामुमकिन है। हमारे इतने करीब था और तब भी हमें नहीं देख पाया इस चूने के वजह से। नफी, उस सांप की आंखों से हमें वो चूना ही बचा सकता है। यहाँ तो सब रास्ते बंद हो रहे हैं, तलिस्मान तो यही होना चाहिए था। तलिस्मान यहाँ नहीं, वो तो कहाँ है? मैदान साफ है, चलिए।
इसका ध्यान रखना होगा। तभी हम दवा खाने से वो शीशी ला पाएंगे जिससे लोगों को बचाया जा सके। तलस्मान यही का ही होगा। अगर नफी का अंदाजा सही है तो जमात खाने के नीचे से हमाम की इस नाली तक ही पहुंचे होंगे। देखता हूँ। तो यहाँ देख, यहाँ देखता हूँ। ठीक है, चलो। जमात खाने से आने वाली नाली ही आकर मिलती है। इसका मतलब पापा भी यही होंगे। वोया, नफी, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये भूलिए क्या बना रखा है? मना किया था ना मैंने जमात खाने से निकलने से, यहाँ पे खतरा है वोया। मैंने नफी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर वो बोलता, वोया बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता, हमें रखवाल की मदद करनी चाहिए। क्या करता क्या नफी, मैं तेरी नकल कर रहा हूँ। तूने ही बोला था ना बोया बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, हमें रखवाली की मदद करनी चाहिए। अभी तेरे वजह से ना वो सांप हमें कबाब समझ कर खा जाता। बोया तू बाबा का बच्चा है, हाँ शेर दिल बनना। बाबा शेर से सीधा चूहे की कद की तरह हो गए, उसका क्या? क्या? अरे तू ढूंढना, मैं डर की वजह से बड़बड़ा रहा हूँ। वाह बेटा, अपने ही शेर दिल बाबा को चूहा बना दिया तूने। तलस्मान मिला? नहीं, अभी भी ढूंढ रहा हूँ। नफी, मैं रखवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कितना बड़ा नौटंकी बाज है तू। बेटा मैंने तुझे सब सिखाया है। मैंने रखवाली से बात की, मैंने बताया कि नफी भी आपकी मदद कर रहा है। पापा, मिला क्या था इस बार? नफी, यहाँ तलस्मान नहीं है। अब क्या करें? बाबा को तलस्मान नहीं मिला होगा, इसका मतलब ना पापा बड़े हो पाएंगे ना इस हिसाब से किसी को बचा पाएंगे। आखिर वो तलस्मान गया तो कहाँ गया? फकरी के जहर का कहर, कैसे सह पाओगे बेवकूफ इंसानों? कितना भी जगा लो लेकिन जब भी नींद आएगी हमेशा हमेशा के लिए आएगी मौत की गहरी नींद। नाजिया आंखें आंखें खुली रखती, सोना नहीं है नाजिया, सोना नहीं है नाजिया। अलीफी आंखें खोलो, आंखें खोलो, जागते रहो, सोना नहीं ठीक है नाजिया, जागती रहो। खुसरो और मजीना जल्दी से दवा लेकर आ जाए वरना नाजिया भाभी का बचना मुश्किल लग रहा है। हकीम साहब ने बताया नहीं यहाँ इतनी सारी शीशियाँ होंगी, अब कहाँ ढूंढेंगे वो खास दवा? कोई बात नहीं खुसरो, उन्होंने कहा था कि वही खरे डब्बे में नीले निशान वाली शीशी होगी। ठीक है देखते हैं, चलिए। नाजिया, नाजिया आके खोलो, नाजिया नाजिया खुदा के लिए आके खोलो, खुदा के लिए आके खोल दो। आ
आज अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा नाजिया? मेरे लिए कावा कौन बना कर देगा? मेरी शिकायतें, मेरी तकलीफें कौन सुनेगा? मेरा गुस्सा, मेरा मिजाज कौन सहेगा? नाजिया आके कौन है? नाजिया तुम्हारे अलावा अपने कासिम फैज दुनिया में कोई नहीं है नाजिया। तुम जानती हो ना नाजिया, इस कासिम को सबने ठुकराया, लेकिन सिर्फ तुम हमेशा हर पल मेरे साथ खड़ी रही। लेकिन मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, कभी कदर नहीं की तुम्हारी। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं नाजिया। तुम यकीनन एक बेहतर शोहर के हकदार हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं। नाजिया, हाँ मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं यही तुम्हारे पास हूँ। हाँ ऐसे ही आंखें खोल के रखो, सोना मत, आंखें खोली रखना। नाजिया, मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं नाजिया, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम सोना नहीं है? सोना नहीं, वो अभी खास दवा लेकर आ रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ मिला? नहीं खुश, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, पहला पैर खत्म होने वाला है। ये खास दवा नीले रंग की दिखती है, ये दवा दवा खाने में बाकी रखी शीशियों के पीछे हरे रंग के डब्बे में एक शीशी भी मिलेगी आपको। मर्जीना, मिल गया। यही है ना वो खास दवा? नीले निशान वाली दवा। खुदा का लाख लाख शुक्र है। चलो। या खुदा, क्या करेंगे? नफी, तू बाहर जाके देख, वो साफ तो नहीं है बाहर। होया, होया, जहां पे तलिस्मान खोया था मैं वापस वहीं पे जाता हूँ, क्या पता वहीं पे अटका मिल जाए। पापा,
हम भी आपके साथ चलेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो बड़ा वाला सांप देखा है कि नहीं? बाबा आपने अपने आप को देखा है? इतने छोटे से पैसे आप जाओगे ना तो सालों साल लग जाएंगे। बाबा आप मानो या ना मानो, इस वक्त आपको एक साथी की जरूरत है। अगर हमने आपकी मदद नहीं की तो आप सबकी जान कैसे बचाओगे? बाबा वो जिद्दी नफी काम आने वाला है, मान जाओ ना बाबा। बेटा मेरी बात समझ, उस सांप से बचकर हम जाएंगे कैसे? पापा हमें आते ही ना एक गजब की बात पता चली, हमारे ऊपर चूना गिर गया, वो सांप हमारे एकदम पास आ गया था, तब भी वो हमें देख नहीं पाया। यकीन मानो बाबा हम लोग बाहर जा सकते हैं। ओया रास्ता साफ है। नफी मेरी रखवाले के साथ बात हुई, हो सकता है तरसमान परवास की बाहरी कहीं हो, हमें बाहर जाके उस नाले के पास देखना होगा। ठीक है, चूना तो ठीक से लगा है ना? हाँ। चल इस चूने से उस सांप को चूना लगाते हैं। ओया अगर मैं ठीक होता ना तो तुम दोनों के दोनों ना एक हफ्ते के लिए नजर बंद होते कमरे में। बाबा अब आपको पता चला कभी कभी छोटा होना कितना मजबूर महसूस कराता है। एक बार बड़ा होने तो पोया, फिर सबसे पहले तुझे ठीक करूंगा, उसके बाद मैं सबसे निपटूंगा। शीशों के साथ मिल गई है और सब पर एक जैसे ही निशान है। अब हम क्या करेंगे खुसरो? खुसरो हमारे पास वक्त बहुत कम है। खास दवा की सख्त जरूरत है, अगर वो दवाई इन्हें नहीं मिली तो क्या? तो ये अगली अजान नहीं सुन पाएंगे। खुसरो ये सारी शीशे इसमें डालिए, हकीम साहब को पता होगा कि कौन सी शीशी है, वो पहचान लेंगे। चलिए हाथों के पीछे पड़ गया है ये सांप। नफी देख और सांसों। सांप को चूना लगा रहा है या फिर अपने पापा को?